पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति समारोह समिति और न्यूज टुडे नेटवर्क के प्रयास रंग लाए हैं। बरेली का सैटेलाइट बस अड्डा अब पंडित राधेश्याम कथावाचक के नाम से जाना जाएगा। लगातार उठ रही मांग को देखते हुए बरेली प्रशासन ने सैटेलाइट बस अड्डे का नामकरण साहित्य शिरोमणि पंडित राधेश्याम कथावाचक के नाम से और फरीदपुर बस अड्डे का नामकरण मशहूर स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर पृथ्वीराज सिंह के नाम से किए जाने पर अपनी मोहर लगा दी है। एक दिन पहले बरेली कलेक्ट्रेट में हुए संवाद कार्यक्रम में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के साथ मिलकर इस मुद्दे पर एक सुर में सहमति दी। यहां बता दें कि पिछले दिनों बरेली के फ्यूचर कॉलेज सभागार में आयोजित पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति समारोह में यह मांग जोर शोर से उठी थी। समारोह समिति के साथ न्यूज टुडे नेटवर्क ने कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई थी। समारोह में साहित्य, कला, कारोबार और मीडिया से जुड़ी जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की थी। समारोह में डीएम बरेली सेवाकांत द्विवेदी ने कहा था कि बरेली में पंडित राधेश्याम कथावाचक की स्मृतियां सहेजने और उनके नाम पर कुछ खास किए जाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रशासन ने उस पहल को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे का नामकरण पंडित राधेश्याम कथावाचक के नाम से करने पर अपनी मोहर लगा दी है। बरेली में जन्मे राधेश्याम रामायण के रचयिता पंडित राधेश्याम कथावाचक का नाम उनके अमर साहित्य को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है। देश दुनिया में होने वाली ज्यादातर रामलीलाएं राधेश्याम रामायण पर ही आधारित होती हैं। पंडित राधेश्याम कथावाचक के नाम से बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे का नामकरण किए जाने को लेकर पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति समारोह समिति और न्यूज टुडे नेटवर्क ने बरेली डीएम सेवाकांत द्विवेदी को बधाई दी है और प्रशासन का आभार जताया है।